जी, तो क्या लगता है, कोरोना लास्ट ईयर की एपिसोड 2 है जी, दोबारा सेम मंथ सेम डेट्स, क्या सेम ही प्रोलॉन्ग करेगा या कुछ डिफरेंट होगा कुछ इस तरह? सेम्स हो गए या प्रॉब्लम इज द व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इन फैक्ट, क्या मेजर्स हैं व्हिच गवर्नमेंट हैज एक्चुअली टेकन राधर कॉल. जी कैन यू प्लीज लेट मी नो कहाँ पहुंचे थे हम लास्ट टाइम. जी जरा टॉपिक बताइए कहाँ पहुंचे थे हम ताकि फिर हम कंटिन्यू करें. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने कर लिया था. कंप्लीट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है जी महाराज. नहीं, हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों कर लिया होगा ना, मोनोपोली भी कंप्लीट कर लिया होगा, फिर ही तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया होगा. सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने मोनोपोली कर लिया है. जी तो आज हमारा टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. देखिए मार्केट की जो सबसे ज्यादा इन प्रैक्टिस फॉर्म है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. मतलब इसमें मैनी फर्म्स डीलिंग इन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. Differentiated products with free
एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। इसका मतलब ये हुआ, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर वेयर सो मेनी फर्म्स आर डीलिंग इन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अच्छा डिफरेंशिएटेड क्या होती है? आर्टिफिशियल और रियल डिफरेंस। आर्टिफिशियल डिफरेंस का मतलब होता है पैकिंग, ब्रांड, कलर का कोई डिफरेंस एटसेट्रा, जबकि रियल डिफरेंस का मतलब होता है फॉर्मूला का डिफरेंस, मटेरियल्स जो यूज होते हैं लाइक इंग्रेडिएंट्स, इसकी बड़ी जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं शैम्पूज हैं, सोप हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे लोग एक जैसी ही चीजें बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट करके कोई पैकिंग डिफरेंट कर लेता है, कोई कलर डिफरेंट कर लेता है, कोई फ्रेग्रेंस चेंज कर देता है। आपका क्या ख्याल है कि जितने भी शैम्पू आप देखते हैं मार्केट में, आपका क्या ख्याल है कि इनके शैम्पू जो हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, कोई वाकई फर्क होता है कुछ इनमें के? कोई डिफरेंस नहीं होता। एक से होल्ड कीजिएगा प्लीज, एक सेकंड। अच्छा आपका क्या ख्याल है कि ये जितने भी ब्यूटी सोप हैं, जितने ब्यूटी सोप हैं, जितने डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, जितने शैम्पूज हैं, जितने ब्रांड, इनका आपस में फर्क होता है या एक ही प्रोडक्ट होती है बेसिकली? इनके ब्रांड का ही फर्क होता है बस, इनकी फ्रेग्रेंस का, इनके कलर्स का, इनकी पैकिंग का, अ वेरी लिटिल वेरी एग्जैक्टली लिटिल बिट इन फैक्ट, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। टू सम एक्सटेंट वी कैन से यस, जेनफर ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है उसमें कुछ है जिनका रियल टर्म में भी कुछ डिफरेंस होगा। लाइक अगर आप लक्स सोप को देखें, लक्स, और एक तरफ आप सेफ गार्ड या डिटोल सोप को देखेंगे, तो फिर तो डिफरेंस है,
क्योंकि इनके फॉर्मूलाज ही डिफरेंट हैं, इसे कहते हैं रियल डिफरेंसेस। लेकिन लक्स, रेक्सना, कैप्री, डव, इनमें क्या फर्क है बताएं? इनमें तो कोई फर्क नहीं सिवाय कंपनी के, ब्रांड के। नेचर एक है सबकी, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एज देर आर मैनी फर्म्स डीलिंग डिफ्रेंशिएटेड गुड्स, देयर फोर द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि इसका जो डिमांड का वो होता है मोनोपोली की तरह नहीं होता बल्कि रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं। राइट जी। याद है, क्लियर है? इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है ओलिगोपली। ये लास्ट टॉपिक है जी चैप्टर 5 का, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी लास्ट टॉपिक है ये। ओली कहते हैं फ्यू को, मोनो, डाई, ट्राई आपने पढ़े होंगे ना, तो फ्यू फर्म्स। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड गुड्स। बैरियर्स फॉर एंट्री, इन्हें के इसमें मार्केट में एंट्री और एग्जिट का बैरियर्स होते हैं। इतनी आसानी से फर्म्स का एंट्री भी नहीं होती और एग्जिट भी नहीं होता। इसका तो फ्यू फर्म्स होंगी और उनकी प्रोडक्ट एक जैसी होंगी और बैरियर्स फॉर एंट्री हो। मसलन टेली कम्युनिकेशन
बताएं कौन कौन डील कर रहा है पाकिस्तान में टेलीकॉम को? सर नहीं, पेप्सी कोक फ्यू थोड़े ही हैं, वो तो दो हैं। टेलीकम्युनिकेशन में कौन कौन है? पीटीसीएल, जोंग, यूफोन, वारिथ, मोबलिंक, जैज। और टेलीनोर और डी ज्यूज, बस वो नहीं गई है। डी ज्यूज तो नहीं गई है ना टेलीनोर की? हाँ अच्छा जी जी पीटीसीएल, जोंग, यूफोन, वारिद, जैज, टेलीनोर, बस यही है। तो ये फ्यू हो गए ना, तो सारे क्या करते हैं? टेलीकॉम ही करते हैं। जैज ओके। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कहाँ कहाँ से आता है जी पेट्रोल, बताइए। सऊदी अरेबिया, आप बताए ना जो बिग थ्री से स्टार्ट हो ना, सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, ईरान और कुवैत, और उसके बाद छोटे कई कंट्रीज है ना जी। अच्छा एयरलाइंस, एयरलाइंस पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं जी, बताएं जी एयरलाइन कौन कौन सी हैं? पीएए, शाहीन, एयर ब्लू, ओए पाकिस्तान वाली बतानी है, पूरी दुनिया की नहीं बता देनी। ओके okay। इन सब को क्या कहते हैं? ओलिगोपली। दीज आर नोन एज ओलिगोपली। लोग इसको ओलिगोपोली पढ़ते हैं, ये ओलिगोपली नहीं है, ये ओलिगोपली होगा। मीन्स फ्यू फर्म सेलिंग होमोजीनियस गुड्स एंड हैवी बैरियर्स फॉर इंडस्ट्री। हाँ एक और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स। तो इसी तरह पोल्ट्री, तो ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम फ्यू फर्म सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। ओके जी। अच्छा ये दो तरह की होती हैं जी ओलिगोपलीज। ये दो तरह की है, इसको जरा गौर से सुनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोलुसिव एंड नॉन क्लूसिव।
कोलुसिव में फर्म्स जो है वो प्राइस एग्रीमेंट होता है। और इसमें नो प्राइस एग्रीमेंट, यानी कि अगर सारी फॉर्म्स मिलकर एक कंसेंसस के साथ, एक एग्रीमेंट के साथ फैसला कर लें और प्राइस के ऊपर डिसीजन कर लें तो उसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कोलुसिव ओलिगोपोली। और अगर फर्म्स किसी एक प्राइस पे कंसेंसस बिल्ड ना करें बल्कि वो हर कहे जी मैं अपनी मर्जी की प्राइस रखूं, वो अपनी मर्जी की प्राइस रखे, तो इकोनॉमिक्स में इसको फिर हम कहते हैं नॉन कोलुसिव। तो कोलुसिव के अंदर क्या होगा, प्राइस एग्रीमेंट्स होंगे। प्राइस एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब लोग अपनी भी प्राइस मिलके तय करेंगे, इसे कहते हैं प्राइस कार्टल्स और इसको कहते हैं प्राइस वॉर। अगर तो पेट्रोल की एग्जांपल देखी जाए, ऑयल की प्राइस एग्जांपल देखी जाए, तो आप देखें पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालकर प्राइस एक ही होती है। एक वक्त में एक ही प्राइस चार्ज की जा रही होती है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ हर कंपनी ने अपने अपने रेट्स, अपने अपने पैकेजेस, अपनी अपनी पीक आवर्स और नॉ ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से प्राइसेस रखी होती हैं। इसलिए जहां प्राइस मिलके तय होगी उसे हम कहेंगे कार्टल्स, प्राइस कार्टल्स, प्राइस एग्रीमेंट्स। और जहां लोग आपस में कंसेंसस से तय नहीं करेंगे बल्कि हर फर्म अपनी इंडिपेंडेंट प्राइस चार्ज करेगी उसे कहते हैं प्राइस वॉर। प्राइस वॉर राइट। कोई बात अगर आपने यहां तक पूछनी है तो पूछ लें, अदरवाइज हम फिर इसके आज एमसीक्यूज शुरू करते हैं, फिर जो जो एमसीक्यूज से रिलेटेड बात आती जाएगी हम उसको रिवाइज करते जाएंगे।
Shivnesh, I'm saying. Hello? Fine now. थोड़ा सा आइडिया आया कि हमने कितने एमसीक्यूज कर लिए थे? चैप्टर 5 के कुछ किए थे हमने, मुझे याद है. थोड़ा सा अभी ना अपने नोट्स बनाया करें साथ साथ, उससे आइडिया होता है हमें. सर डिराइव्ड अमेंड माशाल्लाह कमाल है. 74 डिराइव्ड, मैं डिराइव्ड अमेंड ढूंढूंगा कौन सा डिराइव्ड डिमांड वाला था. आप मुझे एमसीक्यू नंबर बताएं ना. बहुत अच्छे. ऐसी कहा कि कहाँ रहते हो? वो घर है जिसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है, वो मेरा घर है. आप वहां पहुंचते हैं कौवा साथ वाले घर बैठ जाता है. 50 ओके जी, 51 पे आ जाए. अ फर्म दैट ब्रेक्स इवन आफ्टर ऑल द इकोनॉमीज कॉस्ट आर पेड इज अर्निंग. जी बताएं. वो कहता है कि अगर आपकी सारी की सारी इकोनॉमिक कॉस्ट कवर हो जाए तो फिर भी अगर प्रॉफिट है तो कौन सा प्रॉफिट होगा? सुपर प्रॉफिट याद रख लें. सुपर प्रॉफिट भी when diminishing return begin to operate the total variable costs will start to ji diminishing return ka matlab hai yaad rakhein diminishing returns iska matlab kya hai ki aap mazid worker lagate hain to output kam ho rahi hai jab mazid worker lagane se output kam hogi to aapki average variable cost kya hogi नहीं, उसने कहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जारी बात, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी. अंडरस्टूड है ना जी? डिमिनिशिंग रिटर्न्स में कॉस्ट इंक्रीज होती है. अब वो पूछ रहा है किस रेट से इंक्रीज, क्या मतलब? या बी होगा या डी होगा, दोनों में राइज है जी. अब वो कहता है किस रेट से, राइज एट द डिक्रीजिंग रेट और राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट. याद रखें जब डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है तो राइज एट इंक्रीजिंग रेट होता है, यानी कि आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो बहुत तेज से बढ़ती है. मार्जिनल कॉस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज the difference between total fixed cost and total variable cost are too small to influence the change in total cost when output is to rises by one unit fixed cost per unit of the total. 51 ka super profit d. acha ji 53 का बताएं. मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं, याद रख लें. मार्जिनल जब भी आए, मार्जिनल का वर्ड जब भी कभी आ जाए तो कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट हैं वो ध्यान में रखिएगा.
जी, मार्जिन का वर्ड आए तो पहला है पर यूनिट चेंज, स्लोप ऑफ टोटल, ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट, कोई भी इस तरह का। तो मार्जिनल एक्चुअली होता है पर यूनिट चेंज, स्लोप ऑफ टोटल या ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट। तो देखिए इसमें आपको कौन सा आंसर शो हो रहा जी? सी। तो ये याद रख लें, मार्जिनल के बारे में कॉमन कॉन्सेप्ट सब लोग याद रख लें। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कैन अप्लाई टू अ बिजनेस ओनली व्हेन ऑल फैक्टर प्रोडक्शन कैन बी वेरी, एटलीस्ट वन फैक्टर प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, ऑल फैक्टर आर फिक्स्ड, कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको, दो टर्म्स याद रख लें, लॉ ऑफ रिटर्न्स वर्सेस रिटर्न्स टू स्केल। अगर सिर्फ ये वर्ड यूज करें रिटर्न्स, तो शॉर्ट रन की बात होती है, और अगर रिटर्न टू स्केल का वर्ड यूज करें तो लॉन्ग रन होगा। अब अगर शॉर्ट रन है इसका मतलब एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स, और लॉन्ग रन है तो इसका मतलब नन ऑफ द फैक्टर तो यहां उसने क्या यूज किया है, लॉ ऑफ रिटर्न्स, उसने रिटर्न टू स्केल का वर्ड यूज नहीं किया, तो ये शॉर्ट रन है भाई। ऑल फैक्टर फिक्स तो होते कभी नहीं दुनिया में, बी, और सारे फैक्टर फिक्स होंगे तो काम किसने करना है, अल्लाह के बंदो, और सारे वेरिएबल तो हो सकते हैं, सारे ही फिक्स हो जाएं तो काम ही नहीं होता, चेंज नहीं आएगा काम में ना बेटा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज राइज व्हेन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंक्रीज इट्स आउटपुट। जी बताएं, आउटपुट बढ़ाने से कौन सी कॉस्ट जो है वो हमेशा बढ़ेगी, हमेशा उसने वर्ड यूज किया है ऑलवेज राइज, ये वर्ड सुने, उसने कहा ऑलवेज, फिक्स कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। हाँ जी, ऑलवेज राइजेस, ऑलवेज का मतलब है कि बाकी सारी कॉस्ट जो है ना जी, देखें इसको नल हाइपोथेसिस से करने की कोशिश करते हैं, फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं होती,
मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, सिर्फ टोटल कॉस्ट ऐसी है जो हमेशा ही इंक्रीज करती है। क्यों जी, पॉइंट समझ आए? मिनिमम प्राइस नीडेड फॉर अ फर्म टू रिटेन इन प्रोडक्शन सो इट रिमेन इन प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज सॉरी मार्जिनल कॉस्ट। वो कहता है कि कम अज कम क्या कॉस्ट रखी जाए द मिनिमम प्राइस नीडेड टू फॉर्म इन मेन प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन इज इक्वल टू करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज बी। क्यों सुने? प्राइस इज इक्वल टू सॉरी प्राइस इज ग्रेटर देन एसी प्रॉफिट। प्राइस इज इक्वल टू एसी ब्रेक इवन। प्राइस इज लेस देन लॉस बट प्राइस इज इक्वल टू एवीसी हाई लॉसेस बट पी इज लेस देन एवीसी शटडाउन शटडाउन। यानी कि जब प्राइस उसकी इतनी कम हो जाए कि वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चली जाए, वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चली जाए एवरेज वेरिएबल से भी, तो फिर वो शटडाउन करेगा। इसके बाद आखिरी जो उसकी लास्ट जो मिनिमम कंडीशन है वो ये है, जब तक वो गुड टाइम का वेट करेगा इसके बाद वो वेट नहीं करेगा, अल्टीमेटली शटडाउन हो जाएगा। तो आंसर इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इससे नीचे वो शटडाउन करेगा। अच्छा ये जरा सुने जी, अ बिजनेस एम्प्लॉय 11 वर्कर एट अ वेज £24 पर डे, टू अट्रैक्ट वन मोर वर्कर इट राइजेस द वेजेस टू डॉलर सॉरी £25 पर डे, द मार्जिनल कॉस्ट एम्प्लॉइंग द एक्स्ट्रा वर्कर इज। बताइए जी, ट्वेंटी फोर पहले है, एक और करने के लिए 25 किए, तो तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने। तो अपनी साइड पे म्यूट कर लें प्लीज।
हेलो ये किसी आईटी टीम काइंडली किसी का ये माइक प्लीज ये इसको म्यूट करवाइए माइक को. ऑफिशियल लिस्टेड चैट ओके. अब जरा ये स्टेटमेंट थोड़ी सी एम्बिग्युइट है, याद रख लें ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ी सी एम्बिग्युइट है, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ. कह रहे कि ये बिजनेस एम्प्लॉइज 11 वर्कर्स एट अ वेज ऑफ £24 पर डे. 11 वर्कर्स का पर डे कितना चल रहा है 24. टू अट्रैक्ट वन मोर वर्कर इट रेजेस द वेज टू £25 पर डे. एडिशनल वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए जो पे किया गया है वो क्या है 25 है ना जी. तो उससे पूछा क्या था वो एक्स्ट्रा जो वर्कर आपने हायर किया था उसकी क्या कॉस्ट बनी, वो 25 है. तो खुद उसने बता दिया कि एक्स्ट्रा वर्कर को हमने हायर किया है तो ये 25. द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर अ बिजनेस विल इवेंचुअली राइज बिकॉज ऑफ. जी ये मैंने बताया था आपको, इस दिन टॉपिक पढ़ाया था, जरा तवज्जो से सुन के सोच के समझ के यस नो करें. ओके जी. इफ द टोटल कॉस्ट कर्व इज प्लॉटेड माइनर कॉस्ट कर्व कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय. मैंने अभी आपसे क्या कहा था, जो मैंने अभी मार्जिनल कॉस्ट के मार्जिनल के बारे में वर्ड बोला था ना, आप उसको ज़हन में रखते हुए इसको करके देखें आपको करेक्ट आंसर खुद ही मिल जाएगा. इफ द टोटल कॉस्ट कर्व इज प्लॉटेड मार्जिनल कॉस्ट कर्व बी इलस्ट्रेटेड बाय यू शेप्स कर्व कटिंग द टोटल कॉस्ट कर्व फ्रॉम द मिनिमम अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द कर्व एट द लोएस्ट पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द कर्व एट द है? ये बी और सी तो रिपीटेड है जी, ये तो एरर है रिपीटेड है. द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द एनी गिवन आउटपुट बताएं ए बी और डी. ए बी और डी करेक्ट इज डी. सबको पता मैंने वर्ड यूज किया था स्लोप का, मैंने कहा था ना स्लोप. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बड़े क्लियरली समझ आते हैं. अ फर्म इन द शॉर्ट रन वुड स्टॉप प्रोडक्शन. मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये भी मैंने अभी आपको पीछे समझाया था. A firm in the short run would stop production if marginal costs equal to marginal revenue, total costs were equal to the total revenue were less than the total variable cost, total revenue were less than the total fixed cost, variable cost were to rise above the fixed cost. इसको नल हाइपोथेसिस से करने की कोशिश करते हैं ना. एम सी इज इक्वल टू एम आर नो, क्योंकि एम सी एम आर तो शुरू में भी इक्वल हो सकते हैं बाद में भी इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि एम सी पहले डिक्रीजिंग होती है फिर इंक्रीजिंग होती है. देखे ना एम सी क्या होती है, डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग.
तो अगर एम सी एम आर के इक्वल ही करना सिर्फ है, तो वो यहां भी इक्वल हो रही है और यहां भी इक्वल हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। टोटल कॉस्ट वर इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू, ये भी जरूरी नहीं होता। टोटल कॉस्ट रेवेन्यू के इक्वल ब्रेक इवन में भी हो सकता है। टोटल रेवेन्यू वर लेस देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस पे सेंस बनती है। टोटल रेवेन्यू वर लेस देन टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट, ये भी सेंस बनती है। वेरिएबल कॉस्ट वर राइज अबाव फिक्स, ये नहीं होती। ये है जी, ये अगर आपका टोटल रेवेन्यू आपकी फिक्स कॉस्ट भी कवर ना कर रही हो। आवाज नहीं आ रही जायरा, मिसेस जायरा शायद, बाकी लोग बताएं आपको आवाज आ रही मेरी? बाकी स्टूडेंट बताइए काइंडली, आवाज क्लियर है आप लोगों को? मंसूर जी, जायरा काइंडली आप अपने एंड पे चेक कर लें माइक या कोई और चीज। जब आपको पता चलता है कि मेरा जो मेरी टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट वो मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर रही, तो फिर तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए। लॉन्ग रन शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू, ये भी मैंने अभी पीछे बताया ना आपको, जब अभी स्केल और रिटर्न्स टॉपिक किया था हमने लास्ट आई गेस ट्यूसडे, कहते लॉन्ग टर्म जो शेप कर्व होती है वो किस बेस पे बनती है जी? लॉन्ग रन में एग्जैक्टली एयर इकोनॉमीज, वेल प्रोपोर्शन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिस्क ऑन योर स्केल। अच्छा, ए एंड ई ऑप्शन इज एफ, क्योंकि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज की वजह से ये शेप बनती है ना। ये यानी कि पहले वो डिक्रीज होगा, यहां तक इकोनॉमीज होती हैं और इसके बाद डिस इकोनॉमीज होते हैं। इन अ डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां डिमिनिशिंग कॉस्ट चल रही हो, इसका मतलब क्या है कि वो इंडस्ट्री जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करती जा रही है उसकी कॉस्ट कम होती जा रही है। एन इंक्रीज इन इंडस्ट्री आउटपुट कॉजेज, ऐसी इंडस्ट्री जिसकी डिमिनिशिंग कॉस्ट चल रही हो, अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज करे तो क्या होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ टिपिकल फॉर्म टू शिफ्ट अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट। सर प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट कम हो रही हो तो एसी का जो कर्व है, एसी का कर्व वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? ये टेक्निकल एमसीक्यूज है बिल्कुल, इसके लिए बहुत बड़ा दिमाग और बड़ी शार्प ब्रेन चाहिए। आपके जो टॉपिक्स हैं वो, आपके जो टॉपिक्स हैं बड़े अच्छे रिवाइज होने चाहिए। अच्छा देखें, इसमें कॉन्सेप्ट दो चीजें इकट्ठी होके आई हुई है। एक है उसने वर्ड यूज किया इंडस्ट्री, फिर उसने वर्ड यूज किया फॉर अ
टिपिकल फॉर्म। अच्छा जी, अब जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम थोड़ा सा। चेक, क्विकली देखें जी, इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री किसको कहते हैं? सम ऑफ फर्म्स, याद रख लें, इंडस्ट्री इज सम ऑफ द फर्म्स। सॉरी, आपको आइडिया ना, एक जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो फिर कुछ स्टूपिड किस्म के फैमिली मेंबर्स भी होते हैं आपके, जो किड्स की शक्ल में, ये देखिए सारे चेंज कर दिया उसने। अच्छा देखें, इंडस्ट्री कहते हैं सम ऑफ फर्म्स, तो अगर एक फर्म ये है AC1 लेके बैठी हुई है, तो दूसरी फर्म का जो AC होगा वो नीचे होगा लेकिन राइट साइड पे आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी इस तरह। तो जो जो प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी, आपका AC नीचे आता जाएगा राइट साइड पे, सिर्फ डाउनवर्ड नहीं आएगा, राइटवर्ड चलता जाएगा। अच्छा, एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का कहता है, एन इंक्रीज इन आउटपुट केस एवरी कॉस्ट टू कर और द टिपिकल फॉर्म टू द शिफ्ट। अच्छा, ये मजे की बात है वैसे। उसमें डाउनवर्ड होता जा रहा था और जब इंक्रीजिंग पे जाएगा तो अपवर्ड होता जाएगा। जी एग्जैक्टली, मैंने इसलिए ड्रॉ किए, लेकिन जाहिर बात है अगर लेफ्ट और राइट कहेगा ना तो वो पैरेलल होंगे, तो ये लेफ्ट राइट पे होंगे ना जी, पैरेलल होंगे तो लेफ्ट राइट हो गए, अदरवाइज अपवर्ड और डाउनवर्ड ही बेहतर है इसकी ऑप्शंस में। ये डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड, और वो डाउनवर्ड। What does it mean to say that the firm in an oligopoly are interdependent? कौन सी कहता, what does it mean to say that the firm is an in an oligopoly are interdependent? यानी कहता है, ये क्या सूरत बनेगी कि हम ये कहें कि ऑलिगोपली के अंदर फॉर्म्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही हैं। द फर्म मस्ट चार्ज आइडेंटिकल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, द फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट मस्ट इक्वल जीरो इन द लॉन्ग रन, बैरियर्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इनटू इंडस्ट्री, द आउटपुट प्राइस डिसीजंस ऑफ वन फर्म इफेक्ट द आउटपुट प्राइस डिसीजंस ऑफ द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। बताइए ना, इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब है? ओलिगोपली में एक दूसरे पे डिपेंडेंट का क्या मतलब है?
करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि एक अगर अपनी प्राइस चेंज करेगी तो दूसरी पे भी इफेक्ट आएगा। मैंने क्या बताया था आपको, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इनमें अगर कोई एक अपनी प्राइस चेंज करेगा तो बाकियों को भी इफेक्ट आएगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ाए थे ना आपको, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि एसी और जो एमसी होते हैं वो एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं। ग्राफ में आज आपको बता देता हूं उसका। ये एसी है जी, ये इसकी मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम। तो एमसी हमेशा क्या होता है, याद रख लें एक बात कॉमन, याद रख लें सब बच्चे, कि एमसी एसी को हमेशा इसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा। हमेशा इसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा। बताइए कौन सा आंसर होगा, मिनिमम बाय एसी, मिनिमम बाय एमसी, मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द बोथ एमसी एंड एसी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ए, अच्छा जी, डिओपली, ये आपके सिलेबस में नहीं है, डिओपली आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, कहता ओलिगोपली इज द टाइप ऑफ द मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर एग्जिस्ट, ये तो अभी मैंने पढ़ाई थी आपको ओलिगोपली, अब तो पता होना चाहिए। ए बी सी डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश ओलिगोपली मार्केट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, जी बताएं किस बेस पे हम कहते हैं कि ये हमारा मोनोपली, जो ओलिगोपली है वो किस बेस पे दूसरों से अलग है, परफेक्ट कंपटीशन से कैसे अलग है, मोनोपली से कैसे अलग है, ओलिगोपली से कैसे अलग है। इंटरडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मे फॉर्म इन स्मॉल मार्केट, फॉर्म्स आर प्राइस टेकर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही बनती है जी, इंटरडिपेंडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डोमिनेंट फॉर्म मॉडल, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है डोमिनेंट फॉर्म मॉडल, ये डॉपली का है। ऑल मेंबर्स ऑफ कार्टल, हाँ जी, कार्टल मैंने अभी बताया था आपको कि जब कोलुसिव ओलिगोपली होती है, कोलुसिव ओलिगोपली होती है उसमें कार्टल्स बनते हैं। तो बताइए ऑल मेंबर्स ऑफ अ कार्टल प्रोड्यूस एट द सेम एवरेज कॉस्ट, प्रोड्यूस वेयर देयर एमसी इक्वल है प्राइस, अडॉप्ट इंडिपेंडेंट प्राइस एंड आउटपुट प्राइस, शेयर द मार्केट इक्वली, नन ऑफ द अबव। चले इसको फिर हम नल हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं। कार्टल में क्या है, प्रोड्यूस एट द सेम एवरेज कॉस्ट, आंसर इज नो। फर्म की प्राइस एक होती है, कॉस्ट तो एक नहीं ना हो सकती, हर फर्म अपनी अपनी प्राइस पे प्रोड्यूस कर रहा है, कॉस्ट पे सॉरी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उन्होंने आपस में कमिटमेंट कर ली है कि प्राइस हमारी एक होगी, सेलिंग प्राइस एक होगी। प्रोड्यूस वेयर एमसी इक्वल्स प्राइस,
ये भी कोई शर्त नहीं है। अडॉप्ट इंडिपेंडेंट प्राइस, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता, जब कार्टल है तो वो तो एक प्राइस होगी। शेयर द मार्केट इक्वली, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, इक्वल शेयर नहीं होता, प्राइस इक्वल होती है। ई ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इस तरह देख लिया करें एमसीक्यूज को, देख करने का आसान तरीका ये होता है कि नल हाइपोथेसिस से शुरू कर लें कि क्या क्या नहीं हो सकता। मतलब 72 देखें, अ कार्टल इज अ कलूसिव एग्रीमेंट अमंग लार्जेस्ट फर्म इन इंडस्ट्री, अमंग स्मॉलेस्ट फर्म इन इंडस्ट्री, सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट, अमंग फर्म टू फर्म्स टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग आउटपुट। इसको भी ऐसे देखते हैं, लार्जेस्ट फर्म के दरमियान होता है कलूसिव, मे और मे नॉट बी। सेकंड देखते हैं, अमंग स्मॉलेस्ट, बिल्कुल नहीं, सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट, नहीं, अमंग फर्म्स टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग आउटपुट, यस। ये सारी फर्म्स क्या करती है, मिलके प्रोडक्शन को कम करती है, मार्केट में कंट्रोल करती है, जब प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाती है तो प्राइस शूट करके सब लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। कैसे, मैं इसको थोड़ा सा करवा देता हूं, थोड़ा अच्छा समझ आ जाए। देखें, फर्ज कर लें ये आपका डिमांड है और ये आपका सप्लाई है, कार्टल के बगैर फ्री मार्केट। ये आपकी क्वांटिटी है, और ये आपकी प्राइस है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि यार ये प्राइस लो है, प्राइस हाई होनी चाहिए। कहते हैं ठीक है, हम प्रोडक्शन यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं, प्रोडक्शन को जानबूझ के कम किया, सप्लाई को फिक्स कर लिया, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी, प्राइस शूट कर जाएगी। तो ये उसने पूछा था, अमंग फर्म्स टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग आउटपुट। डीओपी का मैंने कहा था आपके सिलेबस में नहीं है, डीओपी 73 भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो चीजें हमने की हैं, इससे हमें एक बात समझ आई बड़ी क्लियरली, एमसीक्यूज को पास करने के लिए टॉपिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है। लेकिन जाहिर बात है पिफा का आप टाइम कंस्ट्रेंट, आपको पता भी है टाइम कंस्ट्रेंट है ना। आपके एग्जाम कब है जी, टेंटेटिव मंथ कौन सा है, टेंटेटिव मंथ कौन सा है वाइंडअप का, एग्जाम मई में, तो सिलेबस का टेंटेटिव, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये मार्च के 2 वीक्स और 4 वीक्स होंगे उसके अप्रैल के, ऐसे ही है जी। ऑलमोस्ट 6 वीक्स है ना जी हमारे पास, और ऑलमोस्ट 6 वीक्स है हमारे पास। लेकिन इसमें एक अच्छा काम हम कर रहे हैं जो यकीनन आपके कॉपरेशन से भी है, कि आप चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यूज भी किए जा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि चैप्टर पहले पढ़ लें सारे और एमसीक्यूज एंड पे देखेंगे, भी टाइम ही नहीं बचता। ये एक अच्छी प्रैक्टिस की हुई हम लोगों ने शुरू, कि वी आर एक्चुअली डीलिंग ऑल एमसीक्यूज राइट एट दी एंड ऑफ एवरी चैप्टर। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है जी।
चैप्टर नंबर सिक्स मैंने शुरू करने हैं आज। अभी 15 मिनट्स है हमारे पास, हम चैप्टर नंबर सिक्स कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेजर आपके एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं वो यहां से होते हैं, चैप्टर नंबर सिक्स से। एक सेकंड प्लीज। जी, चैप्टर नंबर सिक्स, नेशनल इनकम। देखिए आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कल मैंने यहीं से इसको कंटिन्यू कर देना है। अगर आपका बेसिक मिसिंग होगा तो फिर कल समझ नहीं आएगी। नेशनल इनकम, पहली बात तो ये हम रखे हैं, नेशनल इनकम मींस इनकम ऑफ ऑल नेशनल्स। किसी भी कंट्री के लिए, डोंट मेक नॉइस, किसी भी कंट्री के लिए नेशनल इनकम को अंडरस्टैंड करना, उसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, बल्कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको पढ़ना, उसके एनालिसिस करने के लिए भी नेशनल इनकम पढ़ना बहुत जरूरी है। नेशनल इनकम के लिए जो टर्म्स यूज होती हैं, नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट, ये तीन टर्म्स जो हैं और के साथ है जी, ये इनके, इसको नेशनल इनकम भी कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं और नेशनल आउटपुट भी कहते हैं। असल में किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को चेक करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड
सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर शर्त क्या है ओनली फाइनल गुड्स सिर्फ फाइनल गुड जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स यानी कि जो चीजें काबिले इस्तेमाल हैं जो मुकम्मल हो चुकी हैं उन तमाम गुड्स जो कि किसी कंट्री में एक साल के अरसे में प्रोड्यूस की जाए अगर उनकी मार्केट वैल्यू ले ली जाए तो उसे इकोनॉमिक्स में बोलेंगे नेशनल इनकम। मसलन गुड्स कौन कौन सी होती हैं जी? एग्रीकल्चर गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल सर्विसेज भी होती हैं, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज भी होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी होती हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स भी होती हैं। इन सब को पहले लें इनकी टोटल प्रोडक्शन और उसको मल्टीप्लाई कर दें मार्केट प्राइस के साथ। तो इसका मतलब अगर किसी भी कंट्री में किसी भी साल में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनको उनकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट। यूजुअली इकोनॉमिक्स में इसके लिए वर्ड यूज होता है जीडीपी और ये अक्सर आपने सुना भी होगा ये टर्म जीडीपी। जीडीपी मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी एग्जैक्टली। इसका मतलब किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री के अंदर जो लोकल गुड्स जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है उनकी फाइनल कंडीशन मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपकी जीडीपी बन जाती है। कल जब हम आएंगे अच्छा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ही सारे जब मैं कल नया कल का लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों ने मुझे रिमाइंडर देना वैसे याद भी रहेगा इंशाल्लाह कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम से शुरू करेंगे जी। कल का लेक्चर इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ऑफ अरे मेरी कच्ची हो गई है अब मेरी बेटी नहीं है मैं नाच हो गया।
जो मैं Thank you.